अरे यार ये दोनों लड़के कहाँ रह गए? इतना अरे टाइम पापा हो गया। जी वो देखो हाँ यार इतना लेट हो चेतना। गए हैं। चेतना कहाँ पे है बेटा? हेलो चेतना मैडम, कैसे मैं इनको साहब को लेके निकली थी घूमने के लिए। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को कितनी बार बोला है कि जब मैं बाहर होती हूँ अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, इस बुड्ढे को मेरे पास लेके मत आया कर, क्या इमेज रह जाएगी लोगों के सामने मेरी। ये बुड्ढा कौन है चेतना? ये बुड्ढा कौन है? ये जय का बाप है। मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरे होने वाले ससुर है। अरे तेरा दिमाग खराब करके रखा है, फालतू का काम थोप देते हैं मेरे पे। जय की वजह से ना मेरे को संभालना भी पड़ता है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? साहब तो आपसे कितना प्यार करते हैं और ये साहब भी आपको बहुत अच्छे से आपको अपनी बहू मानते हैं। अबे ओ अपनी ना औकात में रह, नौकरानी है ना नौकरानी रह। तेरे को किसने कहा बीच में बोलने के लिए? और तू क्यों लेके निकल रही है इनको बाहर? घर पे रहना जब बंदे हैं तो। मेरा तो काम है ना साहब की देखभाल करना, इनको घुमाना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मैम? अच्छा तो चुपचाप लेके चली जाती ना, ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं यहाँ पर हूँ? अब मेरे को फालतू में बस इनके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो जय के पास जाके कंप्लेंट कर देंगे कि जिसको तू पसंद करता है ना वो लड़की मेरे से बदतमीज से बात करती है। अरे नहीं बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस तू घर आ जाए कर बेटा कभी कभी। ए बुड्ढे तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी। तू तो यही चाहता है ना कि घर में बंदी रहूं? तुम लोग तो बस यही चाहते हो, ऐसी लड़की मिले जो घर में बैठी रहे और घर के काम काज करती रहे। उसके लिए नौकरानी है, नौकरानी करेगी वो सारे काम, मेरे से नहीं होता ये सारे काम। तो साहब कब कह रहे हैं कि आपको काम करना, आप बस घर आया करो, इनको अच्छा लगता है काम तो हम कर देंगे सारा। अच्छा और घर में बंदी बैठी रहूं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लूं? मुझे ना बाहर घूमना पसंद है, लग्जरी लाइफ जीना पसंद है, इसलिए जय को हाँ करी थी क्योंकि वो अमीर है, उसके पास बहुत सारे पैसे है। मेरे को बस अच्छी लाइफ जीनी है, उसके पास है तो तुम क्यों ये चाहती हो कि मैं घर पे बैठूं और इनकी क्यों सुनूं? अरे थोड़े दिन जिंदगी के हैं नहीं इनके, इनके हिसाब से चलूंगी क्या मैं? आप ऐसा कैसे बोल रही हैं साहब के बारे में? जैसा आपको पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा उनको। अच्छा और उनको कौन बताएगा? तू बताएगी? तू बता के दिखा फिर तेरे को बताती हूँ कि तेरी औकात क्या है। इतना मारूंगी ना और घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ आ गई? और दूसरा बेटा कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं साहब जी, जैसा आपको बता के रहूंगी, आपका नेचर ये अच्छा नहीं है। यार चेतना ये नौकरानी होके इतना बोल रही है और तू सुन रही है चुपचाप? मैं क्यों सुनूंगी, ये तो है ही ऐसी। और इसके घर वाले है ना नौकरों को भी सर पे चढ़ा के रखते हैं, पैसे मिलते ना उतनी औकात है, घर के काम करा करो, झाड़ू पोछे और जो काम होते ना वो करा करो, मालिकों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान पे लगाम लगा दे, नहीं तो तू जानती नहीं है कि मैं तेरा क्या करूंगी। और तू बुड्ढे क्या बोल रहा था कि बताएगा नहीं? बता सकता भी नहीं, जब तेरी नहीं सुनेगा मेरी सुनेगा, क्योंकि तेरा क्या है थोड़े टाइम में टपक जाएगा, लेकिन उसने जिंदगी मेरे साथ बितानी है, मेरे साथ जीना है, समझ आ गई? तेरी कभी जिंदगी में भी नहीं सुनेगा, वो तो उसे अच्छा बन के दिखाना जब तक शादी नहीं हो जाती, नहीं तो खपका तुझे घर से उठा के बाहर फेंक देती। चेतना बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू भी तो मेरी बेटी की तरह है। हाँ हाँ मैम सही कह रहे साहब, जब वो मुझे काम वाली को अपनी बेटी की तरह समझते, कितना प्यार देते, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखते मुझे, तो सोचो आपको कितना प्यार करते हैं ये लोग। अच्छा तुझे बेटी मानते हैं ना इसलिए सर पे चढ़ के नाच रही है? भूल मत इस घर की ना होने वाली मालकिन हूँ मैं, और मेरा चलेगा जो चलेगा राज इधर, तू जुबान चलाना बंद कर दे। और तू बुड्ढे तू क्या बोल रहा था, मुझे अपनी बेटी समझता है? अरे बोलने से पहले सोच तो सही, मैं और तेरी बेटी इतने बुरे दिन आए नहीं है मेरे, वो तो बस तेरा बेटा बहुत अच्छे कमाता है इसलिए उसे हाँ कर दी मैंने, नहीं तो मेरी इतनी फूटी किस्मत नहीं है कि तुम जैसे लोगों के घर में आऊं मैं, वो भी बहू बनकर। और मेरे घर वाले ना बहुत ऊंचे घराने के हैं, बहुत अमीर है, उनकी ना इज्जत है सारी जगह, तुम्हारे यहाँ आके तो फंस जाऊंगी मैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, अपनी सोच बदलिए। तू मुझे बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना? देखो आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तूने बीच में बोला ना फिर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ आ गई है? आपको इतने संस्कार नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है, और ये आपके बिगड़ी हुई दोस्त आपको और बिगाड़ रही है। ओ हेलो तमीज में बात कर, ठीक है? नौकर है ना नौकर की तरह रहे, नहीं तो इस बुड्ढे को और तुझे ना यहाँ से फिटवा दूंगी। चेतना लगा दे दो चार इसे। हाँ डिजर्व तो यही करती है ये, तेरे को कितनी बार बोला है अपनी ना औकात में रह के बात किया कर, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के खिलाफ मुझे भड़काने की? तुझे तो तेरी औकात मैं दिखाती हूँ। अब तू मुझे बताएगी कि किससे कैसे बात करनी और कैसे नहीं? एक और मार चेतना, ये यही डिजर्व करती है। चेतना ये क्या कर रहा तुमने, इसको थप्पड़ क्यों मारा? मैं जय को सब सब कुछ बताऊंगा, तुम कैसी लड़की हो। अच्छा क्या बताएगा जय को? मेरे बारे में भड़काएगा और मेरी शादी नहीं होने देगा? इतने सालों से जो मैं जाल रच रही हूँ ताकि मेरे हाथ में एक अमीर लड़का आ जाए, वो तो खराब कर देगा। तुम इस लायक नहीं हो। अच्छा और तेरी बात जय सुन लेगा?
मेरा बेटा है सुनेगा नहीं? बेटा था, अब नहीं है, अब वो उसका BF है और वो उसके बात सुनेगा, जो वो कहेगी वो करेगा। और हाँ, कुछ ना बोलने की कोशिश भी मत करियो, अगर मेरे खिलाफ एक भी वर्ड बोला ना तो तू जानता नहीं कि मैं तेरा क्या करूंगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, धमकी दे रहे हो, ऊपर से आपने मुझे पे हाथ उठाया और अब पापा जी से भी आप ऐसे बात कर रहे हो। तेरे को बोला है ना, अपना मुंह बंद रख। बुड्ढे, तेरे को क्या लगता है कि जाके बोलेगा और वो मान जाएगा? तेरे को तेरी औकात मैं दिखा रहा हूं और फिर देखते हैं तेरी जुबान चलती है कि नहीं। ये क्या किया तुमने? जो भी किया सही किया। अरे पापा जी, आराम से उठिए। पापा ठीक हो? हाँ मैं बेटा ठीक हूँ, तू अच्छे टाइम पे आ गया बेटा। जय, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो नलायक नौकरानी है इसको निकाल के बाहर फेंको, इससे कोई काम ढंग से होता नहीं है और जुबान इतनी लंबी चलती है। अभी पापा को वॉक कराने लेके आई थी, ढंग से वॉक भी नहीं कराया, पापा गिर गए और उठाया भी नहीं जा रहा था इससे। रूबी चेतना क्या बोल रही है? बिल्कुल सही कह रही है भैया, इसको आपने क्यों रखा है, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे वॉक करा रही थी इनको। वो तो अच्छा हुआ चेतना थी जो हेल्प कर रही थी पापा जी की। हाँ, और तुमको पता है क्या, मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। अभी हम यहाँ पे खड़े थे और इसको पता नहीं था कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो पापा को भड़काते हुए आ रही थी कि जिधर आप शादी करा रहे हो ना जय की, वो सही लड़की नहीं है, वो गलत लड़की है, देख लो कैसी नौकरानी रखी हुई है तुमने। रूबी तुम्हारे पास बस एक काम है, पापा को संभाला, ये भी तुमसे नहीं होता। इतने पैसे किस बात के लेती हो और मेरी गर्लफ्रेंड के खिलाफ तुम उन्हें भड़का रही हो? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये चेतना झूठ बोल रही है जय। चुप करो तुम, ठीक है, नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत सही किया जय तुमने, देखा ना तुमसे भी जुबान लड़ा रही थी, इतनी तेज आवाज में कौन बात करता अपने मालिक से। चलो मान लिया चेतना झूठ बोल रही, क्या हम झूठ बोलेंगे क्या? ठीक है, अगर आपको लगता है मैं आपके पापा का ध्यान नहीं रख सकती ठीक से तो मैं जा रही हूँ, और चेतना अगर आपको लगा मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया उसके लिए सॉरी, माफ कर देना। रूबी बेटा कहाँ जा रही है, इधर आ तू। क्या हुआ पापा, इसे जाने दो, है ही बदतमीज। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छी है, सारी गलती तो इसकी है, चेतना ने मुझको धक्का दिया था। अरे नहीं नहीं जय, पापा को कुछ गलत लग रहा होगा, उनको दिखता थोड़ी, उनको पता थोड़ी चलेगा, इसी ने गिराया था, हम तो बचाने आ रहे थे, मेरे दोस्तों से पूछ लो, ये थोड़ी झूठ बोलेंगे। चेतना बिल्कुल सही बोल रही है, ये तो हेल्प कर रही थी पापा जी की। बस करो चेतना, अब तो झूठ मत बोलो, पापा को दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। जय बेटा, रूबी ना बिल्कुल सही कह रही है, अरे मुझे दिखाई नहीं देता, कम से कम मुझे सुनाई तो देता, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे लिए कौन है, मेरा बेटा है ये रूबी है, मेरा कितना ख्याल रखते, इसने मुझको धक्का दिया है। क्या चेतना? नहीं नहीं जय, पापा जी गलत बोल रहे हैं, मैंने बताया ना ये भड़काती है, इसलिए ना भड़काया होगा, इसलिए वो मेरे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। चेतना बस करो, वो मेरे पापा हैं, वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल सकते, मुझे इन पे अंधा भरोसा है, अंधे ये हैं मैं नहीं। और तुम मेरी फैमिली में आग लगाना चाहती हो? नहीं नहीं जय, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे घर वालों की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तुमको पता तो है मैं उनकी कितनी सेवा भी करती हूँ, ये इसने भड़काया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे नहीं जय बेटा, इसने ना मुझे बहुत बुरा बोला, कह रही शादी करूंगी जैसे बुड्ढे तेरे को निकाल दूंगी, बुड्ढा बोलती है मेरे को, बताओ बेटा। अरे जय बेटा बता, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ धक्के खाऊंगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता। अरे बेटा अगर तुझे इसके साथ शादी करनी है तू कर ले, नहीं तो मैं तो वृद्धाश्रम चला जाऊँगा, कहीं पे भी रह लूंगा बेटा। पापा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी इस जैसी लड़की के लिए, आपको मेरे रहते हुए वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नहीं है, मेरा घर और रूबी काफी है आपके लिए। जय तुम ये क्या बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हैं, तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अबे पागल हो क्या, वो बाप है मेरा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकता, इसने दूसरी शादी नहीं करी सिर्फ मेरे लिए ताकि मुझे एक अच्छी परवरिश मिल सके, इनका प्यार ना बढ़ जाए। जय प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने आप को सुधारूंगी और मैं घर के सारे काम भी करूंगी, मैं पापा जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे जा, किसी ने मेरे बाप से ऊंची आवाज में बात कर ली ना, मैं उससे कभी लाइफ में अपने चकल ना दिखाऊं, तुझसे शादी करूंगा मैं, वो बाप है मेरा। चलो पापा, रूबी इससे इसकी गाड़ी की चाबी ले लो। लाओ मैम। चेतना तो मैम भी कहने लायक नहीं हूँ। और हाँ सुधर जाओ, अगर किसी से प्यार करती हो ना तो उसकी और उसकी फैमिली की कदर करना सीख लो, प्यार एक इंसान से नहीं पूरी फैमिली से होता है, रिश्ते एक इंसान से नहीं बनाए जाते। तुम्हें पैसा चाहिए था, किसी चीज की कमी छोड़ी क्या तुम्हें? जय प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। अब सुनने बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, और हाँ जो मेरी फैमिली का सगा नहीं वो मेरा कभी नहीं हो सकता। जय तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब बोलने सुनने को कुछ बचा नहीं है, निकल जाओ मेरी लाइफ से। जय जय,
गाड़ी चढ़ा दूंगा, हट जा। शिट यार, इतनी मुश्किल से इतना अमीर आदमी पटाया था, अब क्या करूंगी। चलो एक काम करो, तुम्हें जो मैंने उधार पैसे दिए थे ना 50,000 और 50,000, वो वापस दो मुझे। कौन से 50,000? अरे ये भी चलेगी, मेरा क्या होगा।